हैं प्रयागराज से बड़ी खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर है। परीक्षा में नकल के नाम पर ठगी का मामला है। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक पर आरोप लगाए हैं। प्रबंधक पर 1.5 लाख की ठगी का आरोप है। प्रबंधक राजमणि मिश्रा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित अभ्यर्थी ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से हम आपको ये बता रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है। परीक्षा में नकल के नाम पर ठगी का मामला। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक पर आरोप लगे हैं। 1.5 लाख की ठगी के आरोप लगे हैं प्रबंधक पर और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है प्रबंधक राजमणि मिश्रा पर। हालांकि बताया ये जा रहा है कि पीड़ित अभ्यर्थी ने मुकदमा दर्ज करवाया है और अब पुलिस ने मामले को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। एक और अपडेट ये इस वक्त सामने आ रहा है, प्रबंधक राजमणि मिश्रा पर FIR दर्ज हुई है। गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गुफरान, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जो सिपाही भर्ती परीक्षा पिछले दिनों आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में तमाम जो धांधली है, तमाम जो लीक की खबरें हैं वो आई थी। उसमें कार्रवाई जो है पुलिस और SGS की ऑलरेडी चल रही है, कई गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन एक जो और मामला सामने आया है प्रयागराज के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के प्रबंधक को लेकर के, उसके खिलाफ एक अभ्यर्थी ने मुकदमा दर्ज कराया है। अभ्यर्थी का आरोप है कि 1.5 लाख रुपए उसके भर्ती परीक्षा में नकल कराने के नाम पर जो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है उसके प्रबंधक ने लिए, लेकिन उसको नकल नहीं कराई गई। ऐसे में उसने अब शिकायत पत्र जो है संबंधित थाने में दिया है। पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जाँच पड़ताल जो है वो कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में साक्ष्य के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है गुफरान, आपके पास हम वापस लौटेंगे और आपको ये इस वक्त एक बड़ी खबर